याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए भी थे 1 से लेकर के 10 तक, और अभी भी बहुत से क्वेश्चन रह गए हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पर हम लोग अब विचार विमर्श करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया गया है। किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित बल निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है वेग। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो याद होगा ये या आपको हम पढ़ा चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग के रूप में न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो आपको याद होगा हम पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी क्षण टी पर किसी गतिमान वस्तु का संवेग पी है, तो लिखा जाता है कि उस क्षण उस वस्तु पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू होता है dP/dt। चलिए अब कहता है कि dT को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं कि dP इज इक्वल टू F(dt)। और अब लिखा जा सकता है कि यदि शून्य समय पर इसका प्रारंभिक संवेग P1 और t समय पश्चात इसका अंतिम संवेग P2 हो जाए, तो आपको याद होगा हम टॉपिक पढ़ाए थे डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन में आपको ये बतलाया गया है कि इधर समाकलन का चिन्ह, यहाँ dP है तो dP, नीचे की ओर लोअर लिमिट यानी P1 और ऊपर की ओर अपर लिमिट यानी P2। और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं समाकलन का चिन्ह, इधर F(dt) है तो F(dt), यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब यहाँ समाकलन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि dP का समाकलन करेंगे तो p, याद होगा आपको बड़ा ब्रैकेट हम लोग देते हैं और नीचे लोअर लिमिट यानी P1 और ऊपर अपर लिमिट यानी P2। और अब इधर की ओर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी f को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dT लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t। और आगे बढ़ा जाए तो आपको याद आ रहा होगा सब कि p के स्थान पर एक बार अपर लिमिट यानी P2, फिर p के स्थान पर लोअर लिमिट यानी P1 और इनके बीच में माइनस का साइन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर f है तो f, और जब dT का हम लोग समाकलन करेंगे तो t, ये सब पढ़ा चुके हैं, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। यानी यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है कि P2 - P1 इज इक्वल टू f। यहाँ पर भी उसी तरह से एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और इनके बीच में माइनस का साइन। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि P2 - P1 इज इक्वल टू F(t), और इसी को बोलते हैं इम्पल्स यानी आवेग, I इज इक्वल टू P2 - P1 इज इक्वल टू F(t)। तो देखिए F(t) का मतलब कहता है कि एक बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगता है। तो जब बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है लगता है तो यह किसके बराबर है, P2 - P1। और P2 - P1 को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में आवेग कहा जाता है। तो आपने देखा कि किसी वस्तु पर एक बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगता है तो यह वस्तु के आवेग के बराबर होता है, और यह आवेग क्या है तो यह संवेग में परिवर्तन के बराबर है, P2 - P1 यानी संवेग में होने वाला परिवर्तन। तो भाई यह किसके परिवर्तन के बराबर है, देख रहे हैं?
तो आंसर आया है संवेग, यानी क्वेश्चन नंबर 11th का हो गया दूसरा ऑप्शन ब संवेग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, यम द्रव्यमान के एक कण की गति को वाई बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कण पर कार्य करने वाला बल है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है यम जी, दूसरा है यम यू बाई टी, तीसरा है टू यम जी और चौथा है टू यम यू बाई टी। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है, एक्चुअल में यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है जी, यानी जो वस्तु का त्वरण ए है वह किसके बराबर है, जी के बराबर है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम आपको समझा चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है यम इंटू ए। भाई वस्तु पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू यम इंटू ए, तो यम की जगह तो यम ही है। हाँ ए किसके बराबर है, जी के, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, जी। यानी आपने देखा कि यह किसके बराबर निकला, तो यम इंटू जी, यानी वस्तु पर लगने वाला बल, कण पर कार्य करने वाला बल, यह किसके बराबर है, तो आंसर देख रहे हैं यम जी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया अ यम जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया गया है निम्न में से कौन सा एक बल नहीं है। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है आवेग, दूसरा है तनाव, तीसरा है प्रणोद और चौथा है भार। तो देखिए तनाव भी एक प्रकार का बल है, भार भी एक प्रकार का बल है और प्रणोद भी एक प्रकार का बल है, लेकिन आवेग है जो कि पूरी तरह से बल नहीं होता, बल्कि यह बल गुणे समय के बराबर है। आप कहेंगे कैसे? तो अभी कुछ देर पहले हम आपको समझा रहे थे कि आवेग I इज इक्वल टू होता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू टी। तो I यही है आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके बराबर है, यहाँ पर तो संवेग में होने वाला परिवर्तन P2 माइनस P1, और यह किसके बराबर है, तो बल गुणे समय। देख रहे हैं केवल F होता तो यह बल के बराबर होता, लेकिन F इंटू टी है तो यही है जो कि बल के बराबर नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आवेग, 13 का ओ आवेग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो देख रहे होंगे दिया गया है 50 न्यूटन का एक स्थिर मंदक बल 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जाता है, कितने समय पश्चात वह पिंड रुकेगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है 2 सेकेंड, दूसरा है 4 सेकेंड, तीसरा है 6 सेकेंड और चौथा है 8 सेकेंड। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसको तो सॉल्व करके देखना होगा। क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है कि एक वस्तु है और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम, और यह 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा था। तो भाई इधर की ओर हम वेलोसिटी दे देते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु को चलते हुए दिखाया गया है, और देखिए इस पर एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, और उस बल का वैल्यू कितना दिया है, तो लगने वाला फोर्स एफ का वैल्यू दे दिया 50 न्यूटन, क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अच्छा इसका प्रारंभिक वेग यू तो हम लोग देख ही चुके हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ब्लॉक का जो मास है यम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, और कह रहा है कि लगाया जाता है तो कितने समय पश्चात यह पिंड रुक जाएगा, ये रुकने की बात कर रहा है। तो
तो रुकने पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, और आपको निकालना है टाइम टी का वैल्यू। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाए, तो चलिए आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ एफ का वैल्यू दिया गया है 50 न्यूटन, एम का वैल्यू दिया गया है 10 किलोग्राम, एंड द एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, यही तो मालूम नहीं है, निकालना है तो लिख दिए ए। यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, जब 10 को उधर भेजेंगे तो 50/10, तो आप समझ रहे हैं ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन यानी त्वरण तो निकल चुका है, और अब कह रहा है कितने समय पश्चात रुकेगा। तो चलिए हम लोग गति के प्रथम समीकरण के पास चलते हैं, तो आप जानते हैं वी इज इक्वल टू होता है u - at। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दिया गया है 10, तो यहाँ पर लिख दिए 10, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5, तो यहाँ पर लिख दिए 5, और टाइम टी मालूम नहीं है, तो जब 5t को उधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं कि 5t इज इक्वल टू 10, और यहाँ से t इज इक्वल टू 10/5, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी आंसर कितना आ गया, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से पता चला कि भाई कितने समय पश्चात यह पिंड रुक जाएगा, तो आपका आंसर आया है 2 सेकेंड, यानी 14 का आंसर हो गया अ 2 सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई बल्लेबाज किसी 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को, जिसकी प्रारंभिक चाल 12 मीटर प्रति सेकेंड है, में बिना परिवर्तन किए मारकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद रैखिक रूप से गति करती है तो गेंद को दिया गया आवेग क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 1.8 न्यूटन सेकेंड, दूसरा है 2.8 न्यूटन सेकेंड, तीसरा है 3.6 न्यूटन सेकेंड, और चौथा है 4.2 न्यूटन सेकेंड। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सॉल्व करना संभव नहीं है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। चित्र में भी आपको सारी बातें दिख रही होगी जिसमें बल्लेबाज बॉल को हिट कर रहा है, तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले बॉल का मास यम का वैल्यू दिया गया है 0.15 किलोग्राम, और यह कितने वेलोसिटी से जा रहा है, तो यू का वैल्यू दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड। अरे बिना परिवर्तन किए सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है, तो मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया भी, वो भी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड, सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया, क्योंकि बॉल इधर आ रहा है, जैसे ही यह बैट से लगा होगा तो आप समझ सकते हैं अब इधर जाएगा, तो जो वेलोसिटी पहले इधर 12 मीटर पर सेकेंड था, अब वही वेलोसिटी इधर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, तो डायरेक्शन जब अपोजिट हो गया तो यहाँ पर प्लस के बजाय हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस। तो कह रहा है कि इसके आवेग का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए देखा जाए। आप कह सकते हैं कि आवेग आई बराबर होता है p2 - p1, जहां p2 अंतिम संवेग जबकि p1 प्रारंभिक संवेग। तो भाई जब सॉल्व किया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका प्रारंभिक संवेग p1 इज इक्वल टू m इंटू u, तो यहां m का वैल्यू दिया गया है 0.15 और प्रारंभिक वेलोसिटी u हो गया 12, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि 15/100 × 12, मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 से 3 बार में कटेगा और 5 से 20 बार में कटेगा, और पुनः 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, 6 × 3 = 18, यानी 18/10,
और इसको दशमलव में बदला जाए तो 1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए अब उसी तरह से P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू m इंटू V। तो भाई यहाँ पर भी देखा जाए तो m मास है यानी 0.15, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो डायरेक्शन केवल अपोजिट हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए -12। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात केवल हम लोग करेंगे, तो जब डाटा वही है तो आंसर आएगा 1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, माइनस लिख देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है P2 - P1, तो भाई यहाँ P2 का वैल्यू आया है -1.8, माइनस P1 का वैल्यू आया है 1.8, तो यहाँ से आएगा माइनस, जोड़ देंगे तो 3.6 न्यूटन। हालांकि यहाँ पर हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो रिजल्ट कितना आया 3.6 न्यूटन सेकेंड। तो रिजल्ट आया 3.6 न्यूटन सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी, सौ 3.6 न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर क्रियाशील स्थिर बल 10 सेकेंड में उसकी चाल को 5 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। गति की दिशा अपरिवर्तित रहे तो पिंड पर कार्यरत बल होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला है 1.5 न्यूटन, दूसरा है 2 न्यूटन, तीसरा है 2.5 न्यूटन और चौथा है 5 न्यूटन। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ दिखाया गया है कि एक सरफेस है और इस पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक स्थित है। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है और ये प्रारंभ में रुका हुआ है यानी यू इज इक्वल टू 0, लेकिन जब इस पर फोर्स लगेगा तो यह क्या करेगा, चलेगा। और कह रहा है कि चलता हुआ ये आता है और 10 सेकेंड के पश्चात जब ये कहीं पर होता है तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इसका मास दिया गया है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जो प्रारंभ में रेस्ट में है और इस पर फोर्स लगता है जिसके कारण 10 सेकेंड पश्चात देख रहे हैं इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो भाई बल का मान निकालना है कि बल कितना लगा। तो आप जानते हैं बल निकालना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लगता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पर एम तो दिया है 5 किलोग्राम, एफ मालूम नहीं है वही निकालना है, लेकिन यफ कब निकलेगा, जब ये मालूम होगा। तो ए कैसे पता चलेगा, तो चलिए ए को निकालने के लिए हम लोग चलते हैं गति के समीकरण के पास। तो वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं 0, यानी 0, ए मालूम नहीं और टाइम कितना दिया है, तो टाइम 10 सेकेंड है तो टी के जगह 10, और 10 को उधर भेजा जाए तो कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5/10। तो ये कटेगा यानी ए का वैल्यू आ गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब और आगे बढ़ा जाए। तो अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यफ इज इक्वल टू यम इंटू ए, या यहीं पर ध्यान दीजिए यफ बराबर यम ए। तो यम कितना दिया था, 5 किलोग्राम, और ए हम लोग कितना निकाले तो 1/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई करने पर 5/2 और डिवाइड किया जाए तो 2.5 न्यूटन। यानी आपने देखा कि बल जो लगा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, तो 2.5 न्यूटन। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है 100। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि संबंध यफ बराबर यम ए न्यूटन के द्वितीय नियम से विश्लेषित नहीं किया जा सकता यदि
बल समय पर निर्भर हो, आघूर्ण समय पर निर्भर हो, त्वरण समय पर निर्भर हो, द्रव्यमान समय पर निर्भर हो। तो इसका सही आंसर है द, कि जब इसका द्रव्यमान समय पर निर्भर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया गया है 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु मूल से t बराबर 0 समय पर धनात्मक x अक्ष की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आरंभ होती है, जिस पर ऋणात्मक x अक्ष की ओर f बराबर 8 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो 25 सेकेंड बाद उस वस्तु की स्थिति होती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है -6000 मीटर, दूसरा है -8000 मीटर, तीसरा है +4000 मीटर और चौथा है +7000 मीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए यह मूल बिंदु है तो यहीं से चलना शुरू करती है और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड यू, और इस पर ऋणात्मक यक्ष अक्ष की ओर एक बल लगता है, मतलब ये चल तो इधर रही थी लेकिन बल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो चलिए लिखते हुए चलते हैं, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि 8 न्यूटन का इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और इसका मास भी दिया है 0.4 किलोग्राम, यानी M इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम। तो भाई जब सॉल्व करना है तो पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ होगी, तो चलिए पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू होता है एम ए, तो यहाँ पर F कितना दिया है 8 न्यूटन, एम कितना है 0.4 किलोग्राम, ए मालूम नहीं है, तो जब 0.4 को उधर भेजेंगे तो 8/0.4 इज इक्वल टू ए, यानी लिख सकते हैं कि 8/4/10 इज इक्वल टू ए, और यह 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 8 × 10/4, तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ से ए निकल चुका है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है कहाँ होगा वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो आप कह सकते हैं कराए कि 25 सेकेंड पश्चात उस वस्तु की स्थिति होगी। तो चलिए आप जानते हैं यस बराबर होता है ut − ½ at² यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन फोर्स का अपोजिट है। तो जब सारे वैल्यू को लिखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 10, टाइम दिया है 25 सेकेंड, 25 −1/2, ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20 और यहाँ फिर टाइम के जगह 25 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हल किया जाए तो ये आएगा 250 माइनस, ये तो कट जाएगा 10 बार में, और 25 × 25 = 625 और 625 × 10 यानी 6250, और समझ सकते हैं कि 250 तो इसमें से घट जाएगा, यानी जब घटाया जाए तो आपके सामने आएगा −6000, यानी बतला रहा है ये चूंकि यश डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देता है तो यहाँ से पता चला कि यह कितने दूरी पर होगा, तो −600 मीटर जो आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का और −6000 मीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे होंगे, दिया गया है किसी मेज पर 1 रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा गया है, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान यम है, छठवें सिक्के का 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल होगा, और आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है 4mg, 6mg, 7mg और 3mg। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि मान लिया जाए एक सरफेस है, हम नीचे की ओर एक सरफेस बना दिए और इस पर 10 सिक्कों को रखा गया है। तो चलिए 10 सिक्कों को हम दिखा ही देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबका मास यम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि छठवां सिक्के का सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल। तो चलिए नीचे से कह रहा है, तो नीचे से गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां और सातवें के बीच में देखिए ये वाला सरफेस है, तो इसके ऊपर कितने सिक्के हो गए, 1, 2, 3, 4। यानी हम लोग करेंगे क्या कि 4 सिक्के को ही केवल यहाँ दर्शाएंगे, क्योंकि इन्हीं का मास नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 4 हैं, तो इनका टोटल द्रव्यमान हो गया 4m। और आपको कंसेप्ट याद होगा, हम बतला चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु का भार नीचे लगता है और मान होता है mg। लेकिन यहाँ चूंकि मास 4m है तो 4mg। अच्छा, रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, और चूंकि यह रुकी हुई अवस्था में है तो कहेंगे कि ऊपर की ओर लगने वाला बल R बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल यानी 4mg। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल किसके बराबर आ गया, 4mg। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है अ, 4mg, जिसका मान दिया गया है 4mg। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देख रहे होंगे दिया गया है प्रतिक्रिया बल की बीमा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया रिएक्शन फोर्स बोला जाता है, ये बल है, और बल का बीमीय सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, MLT^-2, यानी MLT^-2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है 100, तीसरा, MLT^-2। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे। थैंक्स।